फ्रेंड्स वेलकम टू चैनल डेली बिजनेस, और डेली बिजनेस स्वागत करती है अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का। फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप लोग NSDL पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने रैली पे से आईडी लिया था, यानी RNFI से NSDL की आईडी लिया, आप पैन कार्ड अप्लाई करना चाहते हो, कैसे कर सकते हो, पूरा प्रोसेस वीडियो। चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। चलो आगे मैं आपको पूरा डिटेल वीडियो दिखाता हूं। रीका बताने जा रहे हैं, केवल 30 मिनट से भी कम समय में आप ये प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। हमारी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा कमीशन पाने के लिए लॉगिन करें रेलपे पोर्टल और क्लिक करें NSDL पैन कार्ड पर। भुगतान जमा करने पर उपयोगकर्ता को पैन सेवा पोर्टल पर नेविगेट किया जाएगा। आवेदक की आधार जानकारी सावधानी पूर्वक दर्ज करें। सबमिट पर क्लिक करने के बाद प्रमाणीकरण किया जाएगा। नाम दर्ज करते समय कृपया इन महत्वपूर्ण बातों को याद रखें। आवेदक का नाम, लिंग और जन्म तिथि जैसे विवरण आधार डेटा की तरह समान होना चाहिए। आद्याक्षरों को केवल मध्य नाम में दर्ज करने की अनुमति है, लेकिन केवल तभी जब आधार कार्ड पर आद्याक्षर हैं। यह सुविधा नाबालिग पर लागू नहीं है। HUF फर्म, कंपनियां आदि भी इस सुविधा का उपयोग नहीं कर सकते हैं। आइए उदाहरण के साथ अनुमत नामों को समझें। कृपया सही संकेतों के साथ नामों को ध्यान से देखें। कृपया सुनिश्चित करें कि दर्ज किए गए नाम आधार के अनुसार हैं। सफल प्रमाणीकरण पर उपयोगकर्ता आवेदक विवरण के लिए निर्देशित हो जाएगा। यहाँ पहले दर्ज किए गए विवरण देखे जा सकते हैं। आप उस नाम का उल्लेख कर सकते हैं जिसे आप पैन कार्ड पर मुद्रित करना चाहते हैं। यदि आप किसी अन्य नाम से जाने जाते हैं तो कृपया इसका उल्लेख करें। इसके बाद उपयोगकर्ता को माता पिता के विवरण पर निर्देशित किया जाएगा। आवेदक के पिता का नाम दर्ज करें। व्यक्तिगत आवेदन के लिए पिता का नाम अनिवार्य है और मां का नाम वैकल्पिक है। यदि कार्ड पर मुद्रित होने के लिए मां का नाम चुना जाता है तो मां का नाम दर्ज किया जाना अनिवार्य है। हालांकि यदि कोई मां एकल माता पिता है तो उपयोगकर्ता एकल मां विकल्प चुन सकता है और मां का नाम दर्ज कर सकता है। यहाँ भी आद्याक्षरों को केवल मध्य नाम फील्ड में दर्ज करने की अनुमति है। इसके बाद उपयोगकर्ता को अन्य विवरणों के लिए निर्देशित किया जाएगा। फिजिकल पैन या केवल ई पैन के बीच चुनें। यदि उपयोगकर्ता केवल ई पैन चुनता है तो आपके आवेदन में दिए गए ईमेल आईडी पर केवल डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित ई पैन भेजा जाएगा। यदि आय स्रोत वेतन या व्यावसायिक पेशा है तो कार्यालय पता अनिवार्य है। आवेदन के अपडेट के लिए सावधानी पूर्वक टेलीफोन और ईमेल आईडी दर्ज करें। इसके बाद आपको AO कोड पर निर्देशित किया जाएगा जिसे मूल्यांकन अधिकारी कोड के रूप में जाना जाता है। आधार पर आवासीय पते के अनुसार राज्य और शहर चुनें। चुने गए विकल्प के आधार पर AO कोड की प्रासंगिक सूची प्रदर्शित की जाएगी। स्थान के अनुसार अपना एरिया कोड AO टाइप, रेंज कोड AO नंबर चुनें। शहर और दिनांक का नाम दर्ज करें। इसके बाद उपयोगकर्ता को पुष्टिकरण पृष्ठ पर निर्देशित किया जाएगा। उपयोगकर्ता को आवेदन में दर्ज सभी विवरणों की जांच करनी होगी। इसके बाद उपयोगकर्ता को EKYC प्रमाणीकरण पोर्टल पर निर्देशित किया जाएगा। EKYC प्रमाणीकरण के लिए दो विकल्प उपलब्ध हैं, OTP आधारित EKYC और बायोमेट्रिक आधारित EKYC। यदि उपयोगकर्ता OTP आधारित EKYC चुनता है तो OTP आवेदक के मोबाइल और आधार में पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा। EKYC करने के लिए उपयोगकर्ता को आवेदक के माध्यम से OTP कैप्चर करना होगा। वैध OTP जमा करने पर सफल EKYC प्रमाणीकरण की स्क्रीन दिखाई जाएगी।
यदि उपयोगकर्ता बायोमेट्रिक आधारित ईकेवाईसी चुनता है तो उपयोगकर्ता को ईकेवाईसी करने के लिए पंजीकृत बायोमेट्रिक डिवाइस के माध्यम से आवेदक के बायोमेट्रिक को कैप्चर करना होगा। उपलब्ध बायोमेट्रिक डिवाइस मोर्फो, मंत्रा और प्रिसिशन है। इन उपकरणों को संबंधित कंपनी के आरडी सेवा ऐप के माध्यम से पंजीकृत किया जाना चाहिए। आरडी सेवा ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। यहां उपयोगकर्ता को डिवाइस चुनना होगा और फिंगरप्रिंट को कैप्चर करना होगा। इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। सफल फिंगरप्रिंट कैप्चर के बाद सफल ईकेवाईसी प्रमाणीकरण की स्क्रीन देखी जाएगी। ईकेवाईसी प्रमाणीकरण के बाद उपयोगकर्ता को ई साइन स्क्रीन पर निर्देशित किया जाएगा। 10 अंकों की आधार संख्या दर्ज करें और आवेदक को ई साइनिंग पैन आवेदन के लिए सहमति प्रदान करने के लिए कहें। ओटीपी आवेदक के मोबाइल नंबर और आधार के साथ पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा। सफल ओटीपी वेरिफिकेशन पर उपयोगकर्ता को एक पृष्ठ दिखाई देगा। जब उपयोगकर्ता ओके क्लिक करेगा तो उपयोगकर्ता को नीचे दिए गए पृष्ठ पर TXN आईडी, TXN स्टेटस, पे अमाउंट एंड एक्नॉलेज नंबर मिलेगा। PDF और भुगतान रसीद नीचे दिए गए प्रारूप में आवेदक के पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। उपयोगकर्ता दो तरीकों से ट्रांजैक्शन ट्रैक कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन स्टेटस के माध्यम से स्टेटस चेक करने के लिए रिक्वेस्ट टाइप, ट्रांजैक्शन आईडी एंड एंटिटी आईडी दर्ज करें। एप्लीकेशन नंबर के माध्यम से स्टेटस चेक करने के लिए एप्लीकेशन नंबर दर्ज करें। तो आपने पैन कार्ड अप्लाई करने का सबसे आसान तरीका देखा है। अपने पैन कार्ड को ट्रैक करने के लिए रेलपे पोर्टल में NSDL पैन कार्ड पर क्लिक करें। उसके बाद स्टेटमेंट पर क्लिक करके तिथि सीमा चुनें। आप सटीक विस्तृत तिथि के साथ आवेदक का नाम, स्टेटस, एक्नॉलेजमेंट